हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। एक कहावत है कि 24 घंटे में एक बार एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब आपकी कही बात सच हो जाती है, इसीलिए हमेशा अच्छा और सही बोलना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। वीडियो नंबर 768 में हमने ये प्लांट आपसे शेयर किया था जो अपने आप ग्रो हो गया था। ये एक आग का पौधा है जिसको आंकड़ा भी कहते हैं। तो ये ग्रो हो गया था अपने आप, तो इसको हमने शिफ्ट किया था इस पॉली बैग में। और उसका एक मेन कारण ये था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो अंडे अपने इस पेड़ पर देती है और उनसे ब्यूटीफुल कैटरपिलर बनकर तैयार होते हैं जो इसकी पत्तियां खाते हैं और फिर से खूबसूरत तितलियां बन जाती हैं। तो ये प्लांट हमने शिफ्ट किया था, आप देख सकते हैं, लगभग 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले हमने प्लांट शेयर किया था, इसको रिपोर्ट किया था। रिपोर्टिंग के बाद कुछ पत्तियां येलो हो जाती हैं, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर चुका है, आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें ये कट्स थे, तो पहले हमने सोचा लोकस्ट अटैक हुआ होगा, जो कि ग्रास ओपर या लोकस्ट होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं, वो पत्तियाँ खा जाती हैं। तो फिर हमने पत्तियों को पलट कर देखा तो वही जिसका हमें इंतज़ार था, ये मोनार्क बटरफ्लाई के लार्वा हैं छोटे छोटे, जो कि धीरे धीरे पत्तियों को खाएंगे और फिर इनसे प्यूपा क्राइसलिस बन जाएगा और फिर इनसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर तैयार होगी। तो बहुत से लोग ये कटिंग देखकर प्लांट्स पे परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये जो लार्वा होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर बटरफ्लाई के होते हैं और या फिर जो मॉथ होते हैं उनके होते हैं। तो मॉथ पर भी वीडियो शेयर की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो ये कुछ अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे 1 से 2 इंच बड़े हो जाएंगे और फिर ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि अभी तक हम 9 लाइम बटरफ्लाइज रिलीज़ कर चुके हैं, उन्हें सेव कर चुके हैं, और 2 कॉमन मोमन जो कि ब्लैक बटरफ्लाइज होती हैं उनको सेव किया है। और अब मौका मिलेगा हमें ये मोनार्क बटरफ्लाई, जो कि हर प्लांट पर अंडे नहीं देती है, इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो ये मिल्क वीड ही होता है। ज़्यादातर मिल्क वीड प्लांट्स पर ही ये अपने अंडे देती है। तो आग का पौधा आपको कहीं भी दिखे तो आप ज़रूर इन कैटरपिलर्स को देखिएगा और उनको सेव कीजिएगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे 4 कैटरपिलर्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनको सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे। बंदर, छिपकली, चींटियां, इनसे इनको नुकसान हो सकता है, तो इनसे इनके बचाइए। और जो ये मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है, इसका जो कैटरपिलर होता है इसमें एक तरह की मक्खी अंडे भी दे देती है, तो इनकी जान को उससे भी खतरा रहता है। तो इस पर एक अलग से वीडियो पूरी जब तितली बन जाएगी तब शेयर करेंगे। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी गार्डन अपडेट में हमने एक खरबूजा आपसे शेयर किया था, तो इस पर 2 छोटे छोटे फ्रूट्स और आ रहे थे, लेकिन इनको हमें हटा देना था प्लांट से क्योंकि बेल इतनी ज़्यादा अभी बड़ी नहीं है, केवल 6 इंचेस के पॉट में है, तो ये एक ही फ्रूट को सही से तैयार कर पाएगी। तो हमें यही अंदाज़ा था कि बंदर तो इसको नुकसान करेंगे ही, लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा छुपा कर रखा हुआ था और फ्रूट धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। सितंबर के बाद ये कम ग्रोथ कर पाते हैं, इसीलिए ये तो था कि साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 इंचेस के पॉट में भी था। तो एक इसमें येलो होने लगा था फ्रूट और एक थोड़ा ठीक था, लेकिन हमने दोनों को ही रिमूव कर दिया क्योंकि जो मेन खरबूजा था हमें उसे अच्छी तरह से तैयार करना था। लेकिन आज क्या हुआ, आज बंदर बहुत ज़्यादा आ गए थे गार्डन में और इसको नुकसान पहुंचा दिया, जिसका हमें डर था। एक तरबूज हमने बचाकर आपसे शेयर किया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए उसको कैसे कैसे हमने बचाया था, लेकिन हम खरबूजे को नहीं बचा पाए और ये इस तरह से नुकसान कर दिया। खाना तो उनको होता नहीं है, बस नुकसान करना होता है। तो आपसे इसलिए भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप बाद में कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो ये एक मैरीगोल्ड ग्रो किया हुआ था एक 6 इंचेस के थर्मोपॉट में, इसी में ही ये बेल अपने आप ग्रो हो गई थी। देखिए कितना छोटा पॉट है और ना कोई फर्टिलाइज़र था ना ही कुछ, लेकिन फिर ये जब इस पर फ्रूट मिल गया तो हमने सोचा देखिए मिल पाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो बचा ही नहीं। तो ये बेल अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही थी बिना किसी खास फर्टिलाइज़र के। ये जेट्रोफा का एक प्लांट था, इस पे सीड्स बन रहे थे, तो बंदर इसके सीड्स के लिए आए थे, लेकिन फिर उनकी नज़र पड़ गई खरबूजे पे और उन्होंने उसको पूरा बेकार कर दिया। तो इस तरह के जेट्रोफा के सीड्स होते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो शेयर कर देंगे आपके लिए। तो यहाँ पर जो एक फ्लावर्स की वीडियो हमने कल शेयर की है उसमें शेयर किया था, यहाँ पे एक सीड बन रहा था, काफ़ी बड़ा हो चुका था वो, तो उसी को ही तोड़ने की वजह से बंदरों ने ये पूरा पॉट गिरा दिया। और पॉट फूटा नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हल्का सा यहाँ से ये बेकार हो गया है, थोड़ा टूट गया है साइड से, और भी काफ़ी नुकसान किया है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये चलता ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं तो नॉर्मल सी बात है। अपराजिता की फलियाँ काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा देते हैं अपराजिता के सीड्स को, और भी काफ़ी नुकसान किया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है ज़रूर पूछिए। थैंक यू।